मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। शुगर फैक्ट्री में पिलर गिरने से 3 लोगों की गई जान। दावनगेरे तालुका कुकवाड़ में रहे पूर्व मंत्री और हाली विधायक शामनूर शिवशंकरप्पा की खानदानी शुगर फैक्ट्री में एथोनेल प्लांट का पिलर गिरने से 12 लोग घायल और 3 की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया है, जिसमें 5 लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। ये मामला हुआ है कड़ाड़ी पुलिस थाना में दर्ज। पटाखों के व्यापारियों को प्रशासन ने दिया नोटिस। बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में दिवाली के पटाखों का मेला लगाया गया है, जहां पर ज्यादा दाम में बेचने की शिकायत जिला अधिकारी रामचंद्र को मिलते ही तुरंत इन व्यापारियों को नोटिस देकर उन पर नियम उल्लंघन का मामला दर्ज करके आगे के कार्रवाई में जुटे हैं जिलाधिकारी। कांग्रेस पार्टी का बुनियादी ढांचा गिर रहा है। सीएम बसवराज बोम्मई कल DK शिवकुमार ने उपचुनाव हार से पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि हमने जिंदगी में पैसे बांटकर जीत हासिल की है या नहीं ये तो जनता जानती है, लेकिन खुद की कांग्रेस पार्टी का बुनियादी ढांचा गिरने की कगार पर है, उस पर ध्यान दे DK शिवकुमार, बाद में हम पर उंगली उठाए, कहा सीएम ने। बारिश से रास्ते बने नाले, तैरते किनारे पहुंचा युवक। कल रात से हो रही भारी बारिश से बेंगलुरु शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। शहर के RR नगर, दासरहल्ली, महादेवपुर, यलहंका और बोमन हल्ली में रास्तों में पानी भर जाने से वाहन पानी में डूब गए हैं। इसी बीच एक युवक तैरते हुए रास्ता पार करने का नज़ारा देखने को मिला। लड़की के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में अपलोड, युवक की पिटाई। यादगिरी जिला सुरपुर तालुका के सगर गांव का युवक अपने रिश्तेदार लड़की की तस्वीर के साथ अपने फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने से लड़की के घर वालों ने युवक को मनचाहे तरीके से पिटाई की है, जिससे युवक के शरीर पर गंभीर घाव के निशान बन गए हैं। बारिश से खराब रास्तों पर धान की फसल उगाकर जनता का विरोध। मंडिया जिला मलघट्टा गांव में बारिश के चलते रास्ते चलने फिरने के लायक भी नहीं बचे। इस पर कई बार शिकायत करने पर भी कोई काम ना बनते देखकर स्थानीय लोग इसी कीचड़ में धान की फसल लगाकर विरोध जताने का काम कर रहे हैं, ताकि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को कुछ तो शर्म आए। सरहद पर शिवसेना की ओर से हाई ड्रामा। बेलगाम जिले में इतने सालों से महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने यहां की जनता को परेशान किया था, तो अब शिवसेना अपनी आदत से बाज ना आते हुए कोल्हापुर और बेलगाम जिले के सरहद पर वेलकम के बोर्ड पर का कन्नड़ परचम हटाकर भगवा परचम लगाकर जनता के विरोध का कारण बने हैं। आखिर कब तक चलेगा ये विरोध प्रतिरोध? ये तो सियासी नेताओं के खेल में कब तक जनता कठपुतली बनकर खेलती रहेगी? बंजारा समुदाय ने मनाई विशेष रूप से दिवाली। गुलबर्गा जिले के ग्रामीण भाग में ज्यादा तादाद में बंजारा लंबानी समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं। इनके समाज में मेरा नाम से विशेष त्यौहार पर दिवाली को मनाया जाता है। बंजारा समुदाय की पारंपरिक पोशाक में महिलाएं घर घर जाकर दिया जलाकर अपने रिश्तों में और भी मिठास बांटते हुए सभी महिलाएं डांस करके दिवाली मनाती हैं। यही तो है देश की संस्कृति। पटाखों की चिंगारी से टेलर की दुकान में लगी आग। बेंगलुरु ग्रामांतर डोडबल्लापुर के भाषेट्टी हल्ली के विनायक नगर में कल देर रात दिवाली के मौके पर पटाखों की चिंगारी वेणुगोपाल के टेलरिंग के दुकान में जा गिरने से लाखों कीमत के सिलाई मशीनों के साथ साथ कीमती कपड़े जलकर राख हुए हैं। इस पर जनता से मदद की गुहार लगा रहा है वेणुगोपाल।
बुखार में तड़प रहे जरूरतमंद की एएसआई ने की मदद। बेंगलुरु शहर के नेल्सन गार्डन एएसआई ने भीख मांग रहे व्यक्ति को बुखार से तड़पते देखकर उसकी मदद करते हुए इस बार दिवाली के लिए नए कपड़े तोहफे में देकर यह दर्शाया कि इंसान और इंसान के बीच कितनी भी दुश्मनी हो लेकिन आखिर में इंसान इंसान ही इंसान के काम आता है। स्लम बच्चों के साथ दीपावली मनाई। संघ के पदाधिकारियों ने हर त्यौहार को बड़े जोश से मनाते देखकर आम गरीब जनता को भी ख्वाहिश होती है कि हम भी त्यौहार मनाएं। इसी ख्वाहिश को पूरा करते हुए शिमोगा के निवेदिता प्रतिष्ठान की ओर से शहर के स्लम इलाकों में रहे गरीब बच्चों के साथ दीपावली मनाकर इनका आत्मबल बढ़ाते हुए त्यौहार की खुशियाँ बांटी पदाधिकारियों ने। भारी बारिश, पुल का रास्ता बंद, जनता हुई परेशान। राज्य में अचानक हुई बारिश से रामनगर जिले के नदी नाले भर के बहने लगे हैं, जिसके चलते जिले के बिड़दी और बैलंदूर ब्रिज पानी में डूब जाने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अब पानी कम होने तक गांव के लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा अपनों से मिलने का। सरकार ने किया नाइट कर्फ्यू रद्द। 18 महीनों से जनता के लिए परेशानी बनी नाइट कर्फ्यू को आज सरकार ने हटा दिया है। इस आदेश को वापस लेते हुए आज से रात में कंपनीज, इंडस्ट्रीज और सभी तरह के व्यापार कर सकते हैं। लोग ये फैसला आर्थिकता को बढ़ावा देने के लिए करने की बात कही जा रही है। इस पर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये भी उपचुनाव हार के डर से सरकार ने नाइट कर्फ्यू रद्द किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।